हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर रहे, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीआईएसएम की तरफ से गाइडलाइंस आई है एनसीआईएसएम 1 2022। इसके अकॉर्डिंग जो है सारे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो 50% लगेगी। जितने भी भारत में प्राइवेट कॉलेज है जो एनसीआईएसएम एक्ट के तहत परमिशन मिलेगी, उन सारे कॉलेज की फ़ीस जो है वो 50% लगेगी। ये इम्प्लीमेंट इस साल से हो जाएगी। लास्ट ईयर इसको करने की बात चली थी, एनसीआईएसएम की तरफ से नोटिस भी आई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था बहुत सारे कारणों की वजह से, जिसमें कोर्ट में केस चली गई थी और कोर्ट ने इस पर फीस को जो स्टे लगा दिया था और कहा था कि जब तक रिजल्ट नहीं आती तब तक इस फी को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस एनसीआईएसएम के नोटिस में क्या है इसको हम लोग समझते हैं। एनसीआईएसएम एक्ट 2020 के तहत जिन विन कॉलेजेस को जो अप्रूवल मिली है उसकी जो फीस होगी, टोटल फीस जो होगी उसकी 50% जो सीट होगा उसमें गवर्नमेंट कोटा सीट लगेगी। यहाँ पर आप नोटिस में समझ सकते हो डिफिनेशन ऑफ 50% ऑफ सीट को। 50% सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड डीमेड यूनिवर्सिटी एज पर 10 एनसीआईएसएम एक्ट 2022 मीन्स 50% टोटल सेंसंस सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट डीमेड यूनिवर्सिटी आर टू बी गवर्नमेंट बाई द फी डिटर्मिनेशन गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब बाई एनसीआईएसएम। मतलब कि 50% सीट जो है उसको डिसाइड करेगी, 50% सीट की फीस जो है एनसीआईएसएम डिसाइड करेगी, और रिमेनिंग 50% सीट आर टू बी गवर्नमेंट बाई द गाइडलाइंस बाई द फी फिक्सेशन कमिटी, रेगुलेटरी कमेटी जो होती है FRC। FRC का मतलब समझिए फिक्सेशन एंड रेगुलेटरी कमेटी होती है, हर स्टेट में होती है, यूपी में तो यूपी में, एमपी में तो एमपी में, गुजरात में तो गुजरात में, हर जगह FRC कमेटी होती है जो फी डिसाइड करती है। अब जो टोटल 100% सीट है उसका 50% सीट की फीस की को डिसाइड करेगी NCIC और 50% सीट को डिसाइड करेगी FRC। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा बच्चों को। अब जैसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर टोटल सीट मान लीजिए 100 सीटें हैं कॉलेज की, उसकी 50 सीटें की जो फीस होगी वो NCIC डिसाइड करेगी और 50% जो सीट होगी उसको डिसाइड करेगी कौन सी, उस स्टेट की FRC कमेटी। यानी 50% सीट की जो फीस होगी वो मैनेजमेंट कोटा के नाम से जाना जाएगा। काउंसलिंग में आप दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, एक होगी गवर्नमेंट कोटा सीट जो इस साल से होगी, पिछले साल तक के प्राइवेट कोटा चल गई थी क्योंकि कोर्ट में केस चली गई थी, लेकिन इस साल से ये लागू हो जाएगी। 50% सीट पे एडमिशन होगा गवर्नमेंट कोटा सीट के लिए और 50% सीट होगी वो मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी 50% जो AIQ के लिए सीट जाएगी और इसमें भी AIQ के लिए सीट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये रूल लगाया गया है और इसमें जो फी डिटर्मिनेशन किया जाएगा और फी के लिए जो वैलिडिटी होगी, जो पुरानी कॉलेज है, जो ओल्ड इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है उसमें जो फीस होगी 3 साल के लिए जो लागू की जाएगी, न्यूली इस्टेब्लिश्ड कॉलेज के लिए 5 ईयर के लिए फी सेंसेंस किया जाएगा। ठीक है, तो इस नोटिस में ये सारी चीज़ें थी। लास्ट ईयर नहीं लागू किया गया था जिसके कारण बहुत सारे बच्चे को ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, लेकिन इस साल से फीस लागू की जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस रूल को लागू होने पर बच्चों को कितनी फीस देनी होगी। अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन प्राइवेट कॉलेज की, अगर आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की फीस आपको याद देखिए तो 1,26,000 लगती है। ठीक है बच्चों, तो 1,26,000 छत्तीसगढ़ की फीस लगती है इस रूल को लागू होने के बाद। तो पूरे भारत में जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक के जो है BAMS की फीस रहेगी। BHMS की फीस आपका फीस रहेगी, गुजरात में ये लागू होती है। गुजरात की अगर फी लिस्ट अगर आप देखो तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास BAMS की फीस रहती है, 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक के BAMS की गवर्नमेंट कोटा की सीट रहती है। तो 1 से 2 लाख रुपए तक की आपकी फीस रहेगी NCIHM रूल लागू होने के बाद। BHMS की फीस अगर गुजरात की फीस से अगर कोरिलेट करें, यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा सीट लगती है NCIHM एक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के BHMS की फीस रहती है। BAMS की फीस भी आपको मोर और लेस 80,000 से 1 लाख रुपए तक होगी। BAMS की फीस आपकी थोड़ी 1 लाख से लेकर के 1,50,000 रुपये तक के मोर और लेस हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 9155225292 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप आयुष काउंसलिंग 2023 अब तक डाउनलोड नहीं, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको 28 स्टेट की PDF मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और अगर हमारा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।